हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मैं अपने चैनल पर सब्सक्राइब करता हूं। आज हम यहां पे बात करेंगे सीडीएस 2020 के बारे में कि दोस्तों आज 2 जनवरी हो चुका है, अगले 2 फरवरी को इसका एग्ज़ाम आने वाला है। 2 फरवरी को इसका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि जो 30 दिन बचे हुए हैं हमारे, उस 30 दिन में कैसे इसकी तैयारी करें। चैप्टर वाइज बताओ जाऊँगा दोस्तों मैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, मैथ में, इंग्लिश में और जीएस में कौन कौन सा बुक से पढ़ना है दोस्तों, और तैयारी कैसे करना है। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ का। तो पिछले जो प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर से, उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आप यहाँ से, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, एक बार रुकिए, मैं आपको यहाँ से जूम करता हूँ एक बार, रुकिए दोस्तों, आप यहां से एक चीज़ देख सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों, जो नंबर सिस्टम है, आपका जो और जो आपका अर्थमेटिक है दोस्तों, अर्थमेटिक में देखिए बहुत सारा चैप्टर आ जाता है, उसमें टोटल 36 नंबर का मार्क्स आया था 2018 में का सेकेंड पेपर में। 2018 का फर्स्ट पेपर में 39 मार्क्स आया था, 2017 में 32 मार्क्स का आया था। तो आइए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और अगर अभी तक हम लोगों ने तैयारी नहीं स्टार्ट किया आप लोगों ने तो क्या करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ लेना होगा दोस्तों। देखिए मैं बात करता हूँ, नंबर सिस्टम को पढ़ना होगा, इसमें 6 क्वेश्चन के करीब हमेशा आता है, 6 से ऊपर ही आएगा दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं 6, 9, 6, 11, 9, 11। उससे जो सेकंड चैप्टर होगा दोस्तों, वो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम स्पीड पढ़ लीजिएगा दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा और टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ ये टफ नहीं है। ओके, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होगा वो परसेंटेज और डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो एक होगा क्वेश्चन आपको एलसीएम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, और एक रेशियो एंड प्रोपोगेशन पढ़ लीजिएगा और एक एवरेज का पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपको छोड़ना क्या क्या है सो मैं बताऊँ, इसमें आपको ये जो चैप्टर है, ये जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट का जो है वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, और एक लॉगरिथम का तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अगर आपका इस सारे चैप्टर को कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें से आप लगभग 30 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अब बात करते हैं एलजेब्रा का दोस्तों, एलजेब्रा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैं एलजेब्रा में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो सेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट और सीरीज के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चैप्टर कवर करना है, 3 से। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करिएगा, एक बेसिक ऑपरेशन इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसके बाद पॉलीनोमियल का भी एक कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी आप सेट और सीरीज छोड़ ही दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, इसमें से आप 18 क्वेश्चन में कम से कम 15 का बेस बना ही लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री आप में लगभग 11 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन लेके चलिए, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री में दोस्तों, ज्योमेट्री बहुत आदमी का अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट पीपल का जो है ज्योमेट्री ख़राब होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए मैं बात करता हूँ, इसमें आपको भी लगभग 20 क्वेश्चन करीब इस चैप्टर से आते हैं हमेशा। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें से थियोरम्स ऑफ एंगल लाइंस को पढ़ लेना है, ठीक है, उसके सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है और एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ लेना है दोस्तों, बस। इससे पढ़ने से आपको करीब दोस्तों इस अगर ये पढ़ लेते हैं जो मैंने बताया है, तो आपका लगभग 15 क्वेश्चन इस स्थिति से कम्प्लीट हो जाएंगे। हो गया दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे और भी है, एक है पैरेललोग्राम से दोस्तों, पैरेललोग्राम इसी में है जिसमें से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग लगभग, पैरेललोग्राम एक पढ़ लीजिएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ लीजिएगा, लाइंस एंड एंगल्स में जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेंसुरेशन का दोस्तों, तो मेंसुरेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है दोस्तों, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, 7 क्वेश्चन आता है लगभग लगभग, लेकिन क्वेश्चन इजी रहता है दोस्तों। तो इसमें जो मैं वीवीआई क्वेश्चन बताता हूँ वो आप स्क्वायर रेक्टेंगल और ट्राइंगल पढ़ लीजिएगा,
उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्यूबॉइड ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ओके। उसके बाद बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी एक पढ़ लीजिएगा बस, ओके। अब स्टैटिक्स आपको छोड़ देना है दोस्तों। तो इस तरह से आप जितना मैंने बताया हो तो लगभग आप 80% इसमें से मार्क्स ले आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इंग्लिश पोर्शन का, अब बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन का दोस्तों। तो इंग्लिश पोर्शन में देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन में हम देख सकते हैं दोस्तों कि क्या देखिए, सो देखिए मेरे इंग्लिश पोर्शन में आप देख सकते हैं कि जो एंटोनोमियस सिनोमियस से 2016 में नहीं आया था दोस्तों, पहले आ चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एंटोनोमियस सिनोमियस है और कहाँ से करना है, इसका सबसे ज़्यादा वास्ट होता है कि कहाँ से पढ़ना है। तो मैं दोस्तों बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें 2010 से लेके 2010 या 12 से लेके अभी तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इंग्लिश में मेरी आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ कर लें दोस्तों, बस जितना भी है आप डेली डेली एक सेट मारिए, बस कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जितना भी अभी तक हो चुका है, आई मीन पिछले प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन कर लीजिएगा, यानी कि 20 पेपर हो जाएगा क्योंकि एक साल में दो बार एग्ज़ाम होता है बस। और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस हो गया। और आपका रीडिंग स्किल तो ध्यान देते रहिएगा हर दिन, ऐसे आप 20 सेट मारेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा, जितना ज़्यादा सेट मारे दोस्तों, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, अब देखिए देखते हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं दोस्तों, अच्छे खासे आते थे पहले भी, अब और आने लगे। इकोनॉमिक्स से करीब 13 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से 23 आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है। हिस्ट्री से 14 आए हैं, ज्योग्राफी से आपका 16 क्वेश्चन, और साइंस से लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद करंट अवार्डनेस से 5 क्वेश्चन, डिफेंस से रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी से 3 क्वेश्चन और अवार्ड से 1 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन, यानी कि ये करंट अफेयर्स में आ जाते हैं दोस्तों। बुक से भी कभी कभी आता है 2 से 3 क्वेश्चन, डेल से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, और स्टेटमेंट की कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कौन सा गलती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कैसे हम जीएस का तैयारी करें, क्योंकि जीएस एक बहुत ही वास्ट है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अभी 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, और जीएस में देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, एक होता है आपका साइंस, क्या हो जाता है एक होता है आपका साइंस दोस्तों, उसके बाद एक हो जाता है आपका पॉलिटी, फिर होता है हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है ज्योग्राफी, ठीक है, और एक जो हो जाता है आपका दोस्तों एक को हो जाता है, और एक हो जाता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों। 6 में से आपको जितने टाइम है, अगर अभी आज तक आपने स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, ठीक है, तो आपको इसमें से 2 कोई भी काट देना दोस्तों। तो मैं ज्योग्राफी ख़त्म कर देता हूँ, ज्योग्राफी मुझे नहीं पढ़ना है, ओके। और हिस्ट्री जो है दोस्तों, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा करके, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आपको करंट अफेयर्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में सिर्फ अवार्ड पढ़ना है, अवार्ड, उसके बाद आपको पढ़ना है बुक कि कौन कौन सा बुक हुआ है, फिर डिफेंस से रिलेटेड खाली न्यूज़ पढ़ना है, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं, मैं जो आपके पास 30 दिन बचा हुआ है उसमें से सबसे पहले 15 दिनों में आप साइंस को पढ़ लीजिए दोस्तों, साइंस और पॉलिटी ख़त्म कर लीजिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 15 दिन बचेगा, उस 15 दिन में हमें हिस्ट्री एक कब पढ़ लेना है दोस्तों, और एक को पढ़ लेना है, ठीक है। हिस्ट्री जगह पे आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई भी चार चैप्टर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 बुक से ज़्यादा, तो ओके दोस्तों, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। 30 दिन बचा हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आप 30 दिन में अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर आप एश्योर्ड कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो जीएस का पेपर हो जाता है, क्योंकि मैं जितना मैथ बताया हूँ 80% के करीब आ रहा है दोस्तों, तो लगभग जो कट ऑफ जाता है इसका, कट ऑफ लगभग 40% से डाउन ही रहता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं आता है, 40% से ऊपर भी नहीं रहता है, मेरिट के करीब ही उतना ही रहता है दोस्तों। तो अगर आप मैथ में 80% स्कोर कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अगर आपका इंग्लिश, प्रीवियस ईयर के बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी खासी है थोड़ी बहुत जनरल में, तो आप मॉडरेट में हो, आप ना ज़्यादा ख़राब हो ना ज़्यादा आप अच्छे हो, तो भी आप 60 to 70%, मतलब यानी आप 70% के करीब कर लोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो हर दिन
आई मीन पिछले 10 सालों का, उसका जीएस जितना मैंने बताया हूँ उसमें से आप 50 से 55 मार्क्स से ये भी ले आओगे दोस्तों। अगर डिप्ली स्टडी करते हो तो ये 70 भी पहुँच जाएगा, तो आप कट अप से अच्छे नंबर ले आओगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।